नमस्कार, हम मौजूद हैं अमेठी जिला के जगदीशपुर में, जहां हमार बबनी भोजपुरी फिल्म बन रही है। जाहिर सी बात है, फिल्मों में अभिनेता अभिनेत्री के अलावा अन्य भी कैरेक्टर बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसे में मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे आखिर फिल्मों में क्या क्या रोल है इनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इरफान शेख। नाम इरफान जी, ये बताइए कि आप जो है मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो कितनी फिल्मों में अब तक आप जो है काम कर चुके हैं? तो कितनी ही, मतलब बहुत, मतलब 17 साल हो गए हैं। काफ़ी साल, मतलब काफ़ी फिल्मों में कर चुका हूँ। फिल्मों हिंदी, मतलब अभी मैंने क्या जाऊँ कि पिक्चर भी, मतलब एक महीना बन चुकी है। जैसे मतलब हिंदी करेंगे तो काफ़ी पिक्चर हो गए। ये बताइए कि आप फिल्म की अगर बात किए हैं, युवाओं में बात करें, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है आकर्षण लोगों में देखने के, हीरो हीरोइन विलेन, मतलब जो पर्दे में दिख रहा है उसी पर जो है मेन फोकस रहता है। ऐसे में आप जो जब काम ढूंढना शुरू किया है या काम करना शुरू किए हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट के रूप में अपनी जो है प्रतिभा को आपने दिखाया है, तो ऐसे में कहाँ से एक विचार आया आपके अंदर? सर, तो मुझे खुद नहीं मालूम था मैं क्या बनूंगा, अब मैं मेकअप आर्टिस्ट में आया हूं। अपना ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे मेकअप में जाना है, फिल्म लाइन में जाना है। बस हमारे घर के लोग थे लातेदार। क्या आपके घर वालों की बात चली तो घर वाले आपके जो आने लोग भी फिल्म से जुड़े हुए हैं? मेकअप आर्टिस्ट है भी 25 सालों से, भाई का काम बढ़ गया फिर भी मेकअप आर्टिस्ट है। बॉम्बे में अच्छे मेकअप आर्टिस्ट है, तो इसलिए इनके, मतलब इनके शादी कर दो। अगर हम बात करें कि आप युवाओं को संदेश क्या देने चाहेंगे फिल्मों के बारे में या फिल्म से जुड़े कामों के बारे में? फिल्म से जुड़ने के बारे में काम युवाओं को बोल सकता हूँ कि अच्छा है। फिल्म लाइन में काफ़ी काम भी है, मतलब आप एक्टिंग छोड़ के बाकी भी टेक्नीशियन भी है, मतलब आप मेकअप से लेके ड्रेस से लेके और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। पुलिस में कैसे आदमी हर लाइन का यही काम है, किस्मत का, मेहनत तो अपना ही है बल्कि किस्मत भी साथ देना चाहिए। अगर किस्मत साथ दे तो फिल्म में क्या युवाओं के लिए अच्छा जो है एक प्लेटफॉर्म है? अच्छा, बहुत अच्छा है। मेरे फिल्म लाइन तो एक नंबर है, मतलब मेरा तो सुकून है। मुझे सबसे अच्छा काम ये फिल्म लाइन का ही लगता है, बाकी अब कोई भी काम दे दो तो मज़ा नहीं आता। अब अभी से बात हो रही है कि आप हिंदी फिल्मों में ज़्यादातर काम किए हैं और भोजपुरी में, तो दोनों में आपको कहीं से कुछ दिक्कत होती है? दिक्कत तो नहीं होती, बल्कि हिंदी पिक्चर में जो बजट होता है हर चीज़ सिस्टम से होता है, भोजपुरी में भी होता है, ऐसा नहीं है कोई, थोड़ा लो बजट होता है ये सब होता है। बाकी हिंदी में कैसा हर एक चीज़ आपको जो चाहिए प्रॉपर मिलता है। अब भोजपुरी का थोड़ा सा आप समझ सकते हैं माहौल देख के ही, बाकी तो हिंदी का तो अच्छा है। मतलब जैसा कि इरफान जी का कहना है कि फिल्मों से जुड़ने के लिए सिर्फ हीरो हीरोइन के रूप में ही युवा न देखें, बल्कि और भी जो उसके जो है, चाहे मेकअप का हो, चाहे एक सेट लगाना हो, और भी कई काम है जिसमें देखा जाए तो जो पर्दे के पीछे से रहकर काम जो है फिल्मों कर सकता है और अच्छी अपनी जो है पहचान बना सकता है। नमस्कार, हम मौजूद हैं अमेठी जिला के जगदीशपुर में, जहाँ हमारी बबनी भोजपुरी फिल्म बन रही है। फिल्म में अलग अलग नेता अभिनेता काम कर रहे हैं, ऐसे में फिल्म का एक बहुत बड़ा रोल होता है कॉमेडी का। उसके लिए भी कॉमेडी कलाकार फिल्मों के जो है शूटिंग के लिए आए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर फिल्म में है क्या। लाखन जी, ये बताइए कि इस फिल्म में, जो फिल्म अभी आपकी भोजपुरी बन रही है हमारे अमेठी जिला में, ऐसे में क्या रोल दिया गया आपको? हमारा रोल इसमें कॉमेडियन का है और हीरो का साला हूँ मैं और हीरोइन का भाई हूँ, और इसमें बहुत अच्छा करेक्टर दिया गया है मुझे, और कॉमेडी मेरा सीन है। और आपको बता दूँ, इसमें मेरा पहलवान का करेक्टर है और इस फिल्म में बहुत अच्छा रोल है, पहलवान का करेक्टर है और हर जगह मेरा पंच जो होता है भारी रहता है, लेकिन लास्ट में जो है मेरे पे भारी। जैसा कि कहना है कि इनके जो है साइड के साथ देख लीजिए और इनका रोल दिया गया पहलवान का, आखिर एक पहलवान के साथ जो है कैसे जो है उससे फाइट कर पाते हैं, कैसे उससे भिड़ पाते हैं, तो अगर फिल्म जो है देखने को मिलेगी, लेकिन हम और इनसे बात करेंगे। आखिर ये बताइए कि अभी तक आप कितनी फिल्म में काम कर चुके हैं? सर, मेरा ये 8वां फिल्म है। ये फिल्म में आने से जैसे कि लोगों में होता है कि आपके शरीर के साइज के हिसाब से लोगों में जैसे कोई दिव्यांग हो, कुछ और होते हैं, एक अंदर जो है हीन भावना हो जाती है, तो आपके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं आ रही है फिल्मों को लेकर? जी बिल्कुल, भावनाएं हैं। हमारे जैसे बहुत लोग हैं जिसके पास जो है कुछ भी करने के लिए वो सोचते हैं, जैसे हम खुद ही और हमारे बड़े भैया है, बहुत सीनियर है उनसे और बहुत सारी फिल्में की है रखते भैया, तो मैं इनको भी देखता हूँ बहुत पहले। मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्ट्रगल होता है और शुरुआत किया हूँ 2014 से,
तो अभी तक मेरा जर्नी 8वीं फिल्म है, बट जो होता नहीं कि बाहर निकलना, लोगों का टॉर्चर और अपने आप को देखना, फिर लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो उस चीज़ को अगर हम बाद में सोचते हैं तो बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर सोचते हैं नहीं, जो भगवान ने साइज दिया ना इसी को औजार बनाएंगे। जैसा कि रत्नेश जी और दादा का कहना है कि उम्र हो या फिर उनके शरीर के साइज हो, ये जो किसी भी कैरेक्टर में या किसी काम करने के लिए कोई बाधा नहीं है, इससे भी बड़ा जो है मुकाम हासिल किया जा सकता है। अमेठी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद शफी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।